एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मर्दों के एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूं। खैर, मैं जो भी प्रॉब्लम के बारे में बात करती हूं वो सारे सीरियस ही होते हैं, बट ये इतना भी सीरियस नहीं है। बट एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम है जो लड़के नोटिस करते हैं, खासतौर से जो मैरिड होते हैं और खासतौर से जो डेली इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ इन्वॉल्व है। बहुत सारे मर्द नोटिस करते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आए हैं। ये इतना पेनफुल भी नहीं होता, बट दिखने में बहुत ऑड लगता है, घटिया सा लगता है। नो, बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जिसको ओरल परफॉर्मेंस बहुत पसंद है। बहुत सारे फीमेल पार्टनर भी ऐसे हैं जो अपने मेल पार्टनर को ओरल परफॉर्मेंस देना ही पसंद करते हैं, बट ये छोटे छोटे दाने अचानक से निकल आना जिसको दिखने में ही बहुत घटिया सा लगता है। नो, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो ये छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। बहुत बार ये पेनफुल होता है, बहुत बार ये पेनलेस होता है, बहुत बार पसे भी निकल आ सकती है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है आपकी एक बैड हैबिट। मैं बहुत सारे वीडियो में बताती हूँ कि मेल और फीमेल पार्टनर दोनों को हमेशा इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने के बाद तुरंत अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश कर लेना चाहिए, स्पेशली जब प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि जब वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं तो दोनों बैक्टीरिया के टच में होते हैं, दोनों का एक दूसरे के जो बॉडी की ल्यूब होती है, दोनों की जो फ्लूइड होती है वो दूसरे के साथ टच होती है। फिर जब आप डिस्चार्ज करते हो वो आपके प्राइवेट पार्ट में लगा हुआ रहता है और इससे बहुत बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है स्किन के ऊपर। वो जब बैठ जाता है ना स्किन के ऊपर, इन्फेक्शन हो जाता है और ये लगातार होते 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 फिर इचिंग की प्रॉब्लम, इंटरनल इचिंग की प्रॉब्लम वो भी डेवलप होती है। फिर ये दाने भी निकल आते हैं, बहुत बार ये इतना बढ़ जाते हैं कि इसमें से पस भी निकल आती है। बहुत बार इससे आपको पेन भी महसूस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसको जेनिटल हर्ब्स कहा जाता है बहुत बार। और ये जो जेनिटल हर्ब्स होते हैं वो असुरक्षित संबंध, यानी कि प्रोटेक्शन के बिना अगर आप संबंध बनाते हो, रेगुलर बेस पे बनाते हो, इसके वजह से होता है। और इसीलिए प्राइवेट पार्ट की सफाई हमेशा ज़रूरी होती है, खासतौर से जब भी आप इंटीमेट रिलेशनशिप बनाए उस टाइम पे, और स्पेशली जब भी आप किसी बाहरी औरत के साथ संबंध बनाए तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल पहली बात करें, और दूसरा आप हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करें। क्योंकि ये आगे जाके और भी बहुत सारी दिक्कत के बारे में, मैंने आपको एक रीज़न बताया, इसके पीछे और भी बहुत सारे सीरियस रीज़न हो सकते हैं। घाव होने के पीछे वजह क्या होती है, इससे मैंने डिटेल्स पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। खास तौर से आज मैं बताने वाली हूँ कि ये छोटे छोटे दाने क्यों निकल आते हैं। बहुत सारे लड़के नोटिस करें, क्योंकि 100 में से 80% मर्दों को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। किसी का अपने आप ठीक हो जाता है, किसी का नहीं होता। जो लोग कभी कभी संबंध बनाते हैं ना, उनका ये अपने आप ठीक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो रेगुलर बेस पे संबंध बनाते हैं बट गंदी हैबिट है कि कभी वो बाथरूम नहीं जाते, वॉश नहीं करते, तो ये उनका बढ़ता रहता है। इस केस में प्राइवेट पार्ट की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, और सफाई के लिए हमेशा कोई इंटीमेट वॉश का ही इस्तेमाल करें। जब भी आप नहाने जाए कोई भी इंटीमेट वॉश या माइल्ड सोप, उससे आप ट्राई आउट कर सकते हो। डव, पियर्स एंड सोप का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज जब भी यूरिन पास करें तब भी धोने की कोशिश करें। अगर आप पब्लिक प्लेट पे टॉयलेट कर रहे हो, नॉर्मली आप कोई भी बैक्टीरिया जो ना हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कभी भी अगर आप प्राइवेट टॉयलेट पे जा रहे हो, कहीं भी पब्लिक टॉयलेट पे जा रहे हो, तो वॉश करने की कोशिश करो हमेशा, और नहाने के बाद तो ज़रूर, और इंटीमेट रिलेशनशिप के बाद तो कभी भी वॉश करना बिल्कुल ना भूले। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे इंटीमेट वॉश के बारे में, यूनिसेक्स के बारे में बताया है, बट आज मैं जो इंटीमेट वॉश के बारे में बताने वाली हूँ वो खास तौर से मर्दों के लिए है। ये यूनिसेक्स के लिए नहीं है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने इसको आपको इस वीडियो में दूसरे वाले को रिकमेंड नहीं किया। ये खास तौर से मर्दों के लिए ही है, मर्दों के लिए ही इंटीमेट वॉश है। तो जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखे तो आप इससे अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करें, नहाने के टाइम पे भी करें और जब भी आप संबंध बनाए उसके बाद करें। ये पैराबेन फ्री है, खास तौर से मर्द के लिए ही बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी दूसरा केमिकल वाला चीज़ नहीं इस्तेमाल किया गया, प्रॉपर ये हर्ब से बनाए गए हैं। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हल्दी, नीम, तुलसी, माजूफल, सुहागा जैसे चीज़ें इसमें डाली गई है, जो आपके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाता। उल्टा कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको होके रखा है एज लाइक दिस, तो आप इससे अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई ज़रूर करें। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है,
और फॉरेस्ट बेस्ड है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह पे ये अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे मर्द इसको देखने के बाद भी इसको अनदेखा कर देते हैं, सीरियसली नहीं लेते। ये डेवलप होता रहता है, आगे जाके ये ना फैल भी सकता है आपके फीमेल पार्टनर में भी, और फीमेल पार्टनर से भी कोई भी चीज़ आपके अंदर शायद फैल गई है जिससे आपको इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि किसी भी फीमेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट में बैक्टीरियस होते हैं, मेल पार्टनर भी होता है, तो हो सकता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कोई भी बैक्टीरिया थी जो आपके अंदर आ गई और आपको ये प्रॉब्लम, दिक्कतें दिखाई पड़ गई। तो इसीलिए हमेशा नीट एंड क्लीन रखना, प्राइवेट पार्ट का हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।